हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वानिस किचन। आज मैं आप लोगों को भुनी सौंफ खाने के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। सौंफ स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। सर्दियों में भी इसका सेवन किया जा सकता है। ख़ास तौर पर सर्दियों में अगर आप भुनी सौंफ का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकती है। नियमित रूप से भुनी हुई सौंफ का सेवन करने से पेट में दर्द और कब्ज जैसी परेशानी से राहत पाई जा सकती है। साथ ही आपके निकोटिन आदतों को कम करने के लिए भी असरदार है। इसके अलावा भुनी सौंफ का सेवन करने से स्वास्थ्य को कई अन्य फायदे हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं भुनी सौंफ खाने से होने वाले फायदों के बारे में। भुनी हुई सौंफ का सेवन करने से कब्ज की परेशानी दूर हो सकती है। साथ ही कब्ज की वजह से पेट में होने वाली गैस को भी कम करती है। दरअसल सौंफ में फाइबर होता है जो मल त्यागने में आपकी मदद कर सकता है। कब्ज की शिकायत होने पर एक चम्मच भुनी सौंफ को गर्म पानी के साथ लें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। खांसी की परेशानी को दूर करने के लिए भी आप भुनी हुई सौंफ का सेवन कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप भुनी हुई सौंफ को बच्चों को भी खिला सकते हैं। खांसी की शिकायत होने पर एक चम्मच भुनी हुई सौंफ को अंजीर के साथ खाएं, इससे खांसी जुकाम से आराम मिलेगा। जिन लोगों को तंबाकू खाने की आदत होती है उनके लिए भुनी हुई सौंफ का सेवन फायदेमंद हो सकता है। भुनी हुई सौंफ को खाने से बार बार निकोटिन लेने की इच्छा कम होती है। तंबाकू खाने की लत को कम करने के लिए अपने पास तंबाकू की बजाय हमेशा भुनी हुई सौंफ रखें। जब आपको तंबाकू खाने की इच्छा हो तो इसका सेवन करें, इससे आपकी ये खराब लत दूर हो सकती है। कुछ लोगों को पेट दर्द की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए आप भुनी हुई सौंफ का सेवन कर सकते हैं। पेट दर्द से आराम पाने के लिए एक चम्मच भुनी हुई सौंफ को गर्म पानी के साथ लें, इससे पेट दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी भुनी हुई सौंफ का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए एक ग्लास गर्म दूध के साथ एक चम्मच भुनी हुई सौंफ का सेवन करें, इससे आपके दूध में वृद्धि होगी। ऐसे में आप रोज़ाना गर्म दूध के साथ भुनी सौंफ का सेवन करें। पीरियड्स में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए आप भुनी हुई सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भुनी हुई सौंफ के साथ एक चम्मच शहद का सेवन करें। नियमित रूप से भुनी हुई सौंफ और शहद का सेवन करने से पीरियड्स में होने वाली परेशानी दूर होंगी। यदि आप वजन को कम करना चाहते हैं तो ये वेट लॉस में मददगार होती है। इसलिए यदि आप सौंफ का सेवन करते हैं तो इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। सौंफ के सेवन से आपके पेट में जमी चर्बी कम हो जाती है। इसलिए यदि आप वेट को कम करने की सोच रहे हैं तो सुबह रोज़ाना एक चम्मच भुनी हुई सौंफ का सेवन कर सकते हैं। भुनी हुई सौंफ के रोजाना सेवन से आपके पेट में जमा एक्स्ट्रा फैट कम हो जाता है। यदि आप गठिया की समस्या से राहत पाना चाहते हैं तो आप भुनी हुई सौंफ का सेवन कर सकते हैं। गठिया में होने वाले दर्द को बर्दाश्त कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में आप भुनी हुई सौंफ का सेवन आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ दिलवा सकता है। भुनी हुई सौंफ का सेवन सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इससे गठिया की समस्या दूर होती चली जाती है। पेचिश की समस्या होने पर भुनी हुई सौंफ आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इसके लिए 2 ग्राम भुनी हुई सौंफ में 2 ग्राम बिना भुनी हुई सौंफ मिक्स करें। अब इस सौंफ का मिश्री के साथ सेवन करें, इससे पेचिश की परेशानी में काफ़ी लाभ मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर अगर आप भुनी हुई सौंफ का सेवन करते हैं तो इससे शरीर में बढ़ते खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिससे हार्ट हेल्दी रहता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।